దేశంలోని యువతకు ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పలు చర్యలు చేపట్టిందని కేంద్ర ఉపాధి కార్మిక శాఖ మంత్రి భూపేంద్ర యాదవ్ తెలిపారు. స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత తొలిసారిగా అసంఘటిత రంగంలోని కార్మికుల వివరాలు సేకరించామన్నారు. దీంతో పాటు ఉచిత బీమా, సామాజిక భద్రతలో భాగంగా పెన్షన్ సౌకర్యం కల్పించామని తెలిపారు. కరోనా వంటి ప్రతికూల పరిస్థితులు ఎదురైనా ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ద్వారా ఉపాధి అవకాశాలు విస్తృత పెంచామని మంత్రి పేర్కొన్నారు. कर्मचारी होते संगठित क्षेत्र में उसके सर्वे का काम आया है और उसमें बताया गया है कि देश में लगातार कोरोना की तीसरी लहर आने के बाद भी संगठित क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि हो रही है. पीएफ के एनरोलमेंट भी बढ़ रहे हैं, नई इंडस्ट्री के रजिस्ट्रेशन के भी विषय बढ़ रहे हैं और हमारी सरकार पूरी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि कम से कम नियोक्ताओं के स्तर पर जो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं वहां क्रिमिनलाइजेशन के जो पुराने एस्पेक्ट है उनको खत्म किया जाए, रोजगार के माहौल को सृजन करने के लिए ईज ऑफ डूइंग लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माहौल को बढ़ाया जाए और इसलिए 29 एक्ट को सब्स्यूम करके देश में 4 कोड भी पार्लियामेंट ने पास किए हैं जिसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन है, वेजेज है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है और सोशल सिक्योरिटी है. और ये जो सरकार के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के मेजर्स के साथ साथ सोशल सिक्योरिटी के एस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए काम किए जा रहे हैं. हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में डिजिटल क्रांति होने के कारण देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने के कारण गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, उबेर ओला से लेकर इतने बड़ी संख्या में जो हमारे आए हैं उनको भी सोशल सिक्योरिटी मिले इसके लिए नए कोड में प्रावधान किया गया है. नए कोड में इसका भी प्रावधान किया गया है कि देश में 90% से ज्यादा असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं. एक अनुमान ये कहा जाता था कि देश में 38 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं और मुझे बताते हुए खुशी है कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का सबसे पहले डाटा बनाने का काम किया है आजादी के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब किया गया है जिसमें 28 करोड़ मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हमने 6 महीने के अंदर किया और केवल रजिस्ट्रेशन नहीं किया, 28 करोड़ मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ सब लोगों को 2 लाख रुपए का हमने एक फ्री इंश्योरेंस कवर भी दिया है.